साथ जया शर्मा। शुरुआत सबसे पहले सियासी खबर के साथ, जहां दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है और आज होने वाली बैठक के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी पांचवी सूची जारी कर सकती है। बता दें आपको कि एमपी चुनाव को लेकर ही केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। दोपहर 1 बजे के बाद दिल्ली में ये बैठक होगी और महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इस बैठक के संपन्न होने के बाद संभवतः आज शाम या कल सुबह तक बीजेपी अपनी अगली सूची जारी कर सकती है। बातचीत करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी सर, दोपहर 1 बजे के बाद महत्वपूर्ण बैठक और संभवतः शाम तक या कल सुबह तक बीजेपी की अगली सूची आ जाए? देखिए, बैठक कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कल देर रात तक भी सीएम हाउस में बड़ी बैठक चली जिसमें बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा और बाकी जो वरिष्ठ नेता है भूपेंद्र यादव सभी मौजूद रहे और इस बात पर विचार किया गया कि जहां से टिकट कटना है आखिर टिकट कटने के नफा नुकसान क्या होंगे और किन नए चयनों को मौका दे रहे हैं तो उनकी स्थितियां क्या है। तो बहुत लंबी बैठक चली, बीते 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम हाउस में बड़ा मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन के बाद भी अमृत कितना निकलेगा ये आज संभावना इसकी है क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बीच में संभावना ये भी है कि मुख्यमंत्री भी वहां जा सकते हैं, बीडी शर्मा भी आज जाने की संभावना, हालांकि अभी शक्ति केंद्रों का सम्मेलन है बड़ा तो उसमें सभी नेता शामिल होना, उसके बाद दोपहर बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें आज लगभग बहुर लगने की तैयारी है। 50 से 55 लोगों की ये सूची होगी, पांचवी सूची, उसके बाद एक छठवीं सूची और दिखाई दे सकती है। तो हम मानकर चलिए कि अब ज्यादा समय नहीं है और यदि आज देर रात लेट हो गए तो फिर कल सुबह सूची दिखाई देगी, लेकिन अब समय बहुत कम है। आचार संहिता लग चुकी है, कांग्रेस 144 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 136, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पांचवी सूची जारी करना चाहेगी और बड़ी दिलचस्प सूची होगी, अलग होगी, इसलिए बार बार उसका मंथन किया जा रहा है। शुक्रिया आपका मनोज जी फिलहाल जानकारी के लिए।